हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स तो आप लोग जानते होंगे कि हम जब गाड़ी से निकलते हैं, जो राइट सिग्नल वगैरह होते हैं, हमें गाड़ी कहाँ चलानी चाहिए, कहाँ चलानी चाहिए, यही सब ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। स्टार्ट। टुडे संडे, धोन एंड सब आर सिटिंग विद देयर फादर। कौन से दिन की बात कर रहे हैं? संडे है और धोन और सब अपने पापा के साथ बैठे हैं। अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन बिगिंस बिटवीन अ फादर एंड हिज टू किड्स। अब उनके बीच में एक बात चालू हो गई, पापा के और उनके दो छोटे बच्चों के बीच में। अ फादर कहता, चिल्ड्रन प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, आर यू रेडी। वो कहता, पापा कहते कि बच्चों से कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तैयार होंगे आंसर के लिए? दोनों ने सब कहते, यस फादर वी आर रेडी। वो कहते, हाँ पापा हम लोग तैयार हैं। फादर कहते, दोन ऑल राइट यू टेल मी What do you see on the road these days? फादर कहते धुन से, धुन आप बताइए आजकल आप रोड पर जाते हैं आपको क्या दिखता है? धुन कहता, फादर वी सी बसेस, कार्स, टोंगास, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा। धुन क्या कहता, पापा हम बस वगैरह देखते, कार्स देखते, टोंगा वगैरह, ऑटो रिक्शा, ये सब हम चीज़ रोड पर देखते हैं। फादर कहता, डेट मीन्स देर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। फादर कहते, इसका मतलब तो है कि रोड पर बहुत टाइप की व्हीकल्स हैं, मतलब गाड़ी वगैरह बहुत टाइप के रोड पर निकलती हैं। धोन कहता, यस फादर, हाँ पापा सही बात है। फादर कहते नाउ शब्द यू टेल अस विच साइड ऑफ द रोड शुड यू वॉक ऑन। पापा शब्द से पूछते कि अब आप बताइए कि हमें रोड पर जब जाते हैं कौन से साइड पर हमें रोड पर ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है? शब्द कहता, फादर वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। शब्द कहता, पापा हम लोग को हमेशा रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। फादर कहते यस शब्द इज राइट, आप सही बोल रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द रोड। ये रोड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि हमें कौन से साइड चलना चाहिए। नाउ धुन विल टेल अस हाउ वी शुड क्रॉस द रोड। धुन बताया कि हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए। धुन कहता, फादर फर्स्ट वी शुड लुक टू अवर राइट, देन टू अवर लेफ्ट एंड फाइनली एट अ राइट अगेन। वो कहता, पहले हम लोग अपने राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड, और फिर जब हम लोग जब जिस डायरेक्शन में रोड क्रॉस करें उस डायरेक्शन में देखना चाहिए, मतलब राइट साइड। इफ देयर इज नो व्हीकल्स वी शुड क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में कोई व्हीकल्स नहीं है, फिर तो हमें उस साइड को रोड निकलना चाहिए, क्रॉस रोड करना चाहिए। फादर कहता, ऑन बिजी क्रॉसिंग यू शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली। फादर कहते हैं, जब भी क्रॉसिंग मतलब भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गाड़ियों की, तो हमें किस साइड पर क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मतलब जहाँ पर बिल्कुल व्हीकल्स वगैरह नहीं चलती हैं। शब्द कहता, एंड फादर वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। शब्द कहता कि हाँ पापा, कि हमें रोड पर रन भी नहीं करना चाहिए ना, मतलब रोड पर हमें दौड़ना भी नहीं चाहिए। फादर कहते, डेट्स गुड, यू शुड ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हाँ ये अच्छी बात है, और हम सबको रोड के रूल्स फॉलो करना चाहिए। ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। अब नेक्स्ट इसमें इसकी वर्ड मीनिंग आपको देंगे और क्वेश्चन आंसर आपके मार्क करवाएंगे।